नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ का मैथ, जिसमें हम एंगल में प्रॉब्लम सेट 25 करने वाले हैं। और ये जो प्रॉब्लम सेट है ये पूरा बेस है प्रोटेक्टर पर। प्रोटेक्टर का यूज़ कैसे करते हैं वो, फिर प्रोटेक्टर को मेज़र मतलब एंगल को मेज़र कैसे करते हैं ये देखेंगे, और साथ में हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 25। तो आइए इसे हटा देते हैं और पेपर पेन पेज हमने ले लिया है, इसमें हम आपको प्रोटेक्टर को कैसे यूज़ करना है और कैसे एंगल को मेज़र करना है ये सारी बातें सिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा आखिर तक देखिए कि प्रोटेक्टर का यूज़ कैसे किया जाता है, और ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम प्रोटेक्टर के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो प्रोटेक्टर में क्या होता है ये देखिए, प्रोटेक्टर में दो नंबर होते हैं, मतलब दोनों नंबर दो दो बार होते हैं। देखिए यहाँ से शुरुआत अगर करें तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 160, 170, 170 और 180। ओके, अब इधर से अगर देखें तो फिर यहाँ पे जीरो से शुरुआत होती है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर वापस यहाँ पर 180। तो दोनों साइड यहाँ पर 180 भी है, ओके, और ज़ीरो भी है, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में हमें प्रोटेक्टर का यूज़ कैसे करना है, कौन से एंगल को, एक्यूट कौन सा एंगल, एक्यूट कब होगा, ऑब्ट्यूस कब होगा, राइट कब होगा, ये सारी चीज़ें, और उसका सही मेज़र कैसे करेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो एंगल है ये दो तरह से बनाए जा सकते हैं, ओके। अभी हम बात करेंगे सिर्फ एक्यूट एंगल की, एक्यूट एंगल एंड मेजर्स, एक्यूट एंगल और एंगल के मेजर की बात करेंगे, ओके। तो यहां पर देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पर एक लाइन खींची, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, लेट्स ड्रॉ अ लाइन, और इस लाइन में हमने पॉइंट दिया ए बी, ओके। पॉइंट बी से हम 40 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं, तो अगर यहाँ से हम 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो वह एंगल किधर जाएगा, देखिए ये एंगल इधर जाएगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ से एंगल बनाएंगे तो 40 डिग्री क्या होता है, 90 से छोटा होता है। देखिए हम सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि ये है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, अगर हम इसे ऐसे खींचे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये लाइन जो बनाएगी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब हमें पता है कि 40 डिग्री जो है ये 90 से छोटा होता है, 40 डिग्री जो है 90 से छोटा होता है, तो अगर 90 यहाँ पर है तो क्या 40 ऐसा बन सकता है, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर जब प्रोटेक्टर आप रखेंगे तो यहाँ पर आपको दो जगह 40 दिखाई देगा, एक यहाँ पर ये देखिए और एक यहाँ पर ये देखिए। समझना ये ज़रूरी है कि हमें कौन सा 40 लेना है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, एक लाइन होती है उसकी दो साइड है, एक लेफ्ट वाली साइड और एक राइट वाली साइड। जब हम एक्यूट एंगल बनाएंगे तो लेफ्ट में रखेंगे एक्यूट एंगल को, लेफ्ट में रखेंगे तो राइट वाला 40 हमें लेना होगा। ये देखिए ये बन गया 90 से छोटा, ओके। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, एक एंगल अभी हम यहाँ पर गलत बनाने वाले हैं, कैसे बनाने वाले गलत, जैसे देखिए ये है ए और ये है बी। मान लीजिए, कई बार ऐसे बच्चे गलती करते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर रखा और आपको कहा गया कि 40 डिग्री का एंगल बनाइए, तो आपको 40 दो जगह दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, आपने इधर वाला ना लेते हुए इधर वाला ले लिया, ओके। तो इसके यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 140, तो ये जो एंगल है वो ऐसा बनेगा, और ये जो एंगल है ये 90 से बड़ा बन जाएगा और ये 140 डिग्री का बनेगा, मतलब ये एक्यूट एंगल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा,
इसलिए हमें समझना ज़रूरी है। अब आइए इस एक्यूट एंगल को और दूसरी तरह से बनाते हैं। ओके, फिर से हमने एक वही लाइन ली है जिसका नाम है ए बी। ओके, ए बी। अब पॉइंट बी यहाँ पर है, पॉइंट बी से आपको फिर से एक 40 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप क्या करेंगे, ऐसा रखेंगे और 40 डिग्री का एंगल मतलब 90 से छोटा, ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये वाला जो पोर्शन आएगा ये 90 में आएगा, 90 से छोटा मतलब अब हम इस तरफ रखेंगे और इधर ये जो है ये देखिए, ये भी है 40 डिग्री और ये भी है 40 डिग्री। तो ये देखिए, इसे कहते हैं 90 से छोटा मतलब एक्यूट एंगल। तो बात यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम प्रोटेक्टर को देखते हैं तो प्रोटेक्टर में हर जगह आपको दो नंबर दिखाई देते हैं, 0, 180, 10, 70, 20, 60, 30, 150, 40, 140। ऐसा ही अगर इधर देखेंगे तो वहाँ पर भी ऐसा ही दिखाई देगा, 0, 180, 10, 70, 20, 60, 30, 150, 40, 140 दिखाई दे रहा है आपको, सेम वैसा ही है ना, वैसे ही दिख रहा है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना आपको ज़रूरी है कि कैसे ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा और कैसे एक्यूट एंगल बनेगा। तो आई होप दैट आपको एक्यूट एंगल समझ में आ गया होगा। अब आइए ऑब्ट्यूस एंगल की बारी है। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल और उसके मेजर। अब ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या होता है, बिगर देन 90 डिग्री, जो 90 से बड़ा होता है उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। अब आइए हमें 130 का एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है। तो हम जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन ली है, ओके, हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स ड्रॉ लाइन हियर, ये हमने लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली। इस लाइन का हमने मेजर दे दिया ए बी, पॉइंट ए से हमें 130 लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और ये ऑब्ट्यूस एंगल की बात है तो 90 डिग्री ऐसा होता है, ओके, 90 डिग्री ऐसा होता है, आप इसको मिलाइए, ये लाइन और ये लाइन, ये हो गया ये प्रोटेक्टर की लाइन और ये लाइन, ये बनता है 90 डिग्री। तो 130 90 से बड़ा है तो ये एंगल ऐसा तो नहीं बनेगा, ऐसे में तो ये छोटा हो जाएगा, ये एंगल ऐसा बनेगा 130 के लिए। ओके, तो हम यहाँ पर रखेंगे हम इस प्रोटेक्टर को और यहाँ से देखेंगे 130 कहाँ पर है। तो देखिए मेरे साथ, देखिए ये 90, 100, 110, 120, 130, ये आ गया 130। पॉइंट को रखेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला देंगे। ओके, देखिए हमने जॉइन कर लिया, तो ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ये एंगल बनता है यहाँ पर 140 डिग्री का। अब यही एंगल हम इस साइड पॉइंट रख के बनाते हैं। ओके, देखिए अब हमने इस पॉइंट को दूसरी, मतलब यहाँ पर हमने लाइन ली है, इस लाइन का नाम दे देते ए बी। अब हमें अगर बी पर 130 का एंगल बनाना है तो हम यहाँ पर रखेंगे और अब देखिए अगर हम ऐसा ऐसा खड़ा है तो ये 90 डिग्री है। ओके, पर हमें 90 से बड़ा चाहिए तो 90 से बड़ा एंगल ऐसा होता है, 90 से बड़ा। ओके, तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को यहाँ रखेंगे, ओके, और यहाँ से 130 देखेंगे तो ये 90, 100, 110, 120 एंड 130। तो ये देखिए ये बन जाता है 130 का ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, और ये हो गया 140 डिग्री। समझ में आया, तो ये है ऑब्ट्यूस एंगल। आई होप दैट आपको एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इसको और इन दोनों को डायग्राम को अपने नोटबुक में लिख ले। अब हम आते हैं 90 डिग्री के ऊपर। ओके, 90 डिग्री की भी बात कर लेते हैं। चलो देखें 90 डिग्री क्या बोलता है। तो दोस्तों 90 डिग्री का एंगल बनाना बहुत इजी है, क्या करना होता है, बस सीधा ही तो एंगल रहता है, एक लाइन खींचिए, ये पॉइंट ए बी, पॉइंट ए पर 90 डिग्री बनाइए। तो पॉइंट ए पर अगर हम 90 डिग्री बनाएंगे तो देखिए ऐसा रखिए और 90 कहाँ ढूंढिए, 90 आपको दोनों जगह 90 ही मिलेगा, तो इसमें गलतियाँ तो होने से रही, दोनों जगह 90 है तो ये रख दिए, ये देखिए ये आ गया 90 डिग्री।
ओके, पॉइंट बी से अगर 90 बनाना है तो ऐसा ही करें, ये आ गया 90। 90 को आप किधर से भी बनाइए वो सीधा ही ऊपर जाने वाला है। ओके, समझ में आया? तो भाई आपको राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल तीनों समझ में आ गए होंगे, और इनके मेज़र कैसे करना है वो भी समझ में आ गया होगा ज़रूर। फिर भी आपके बुक में जो चीज़ें दी हैं उसे हम एक बार आपको बता देते हैं। ओके, देखिए क्या बुक में दिया है भाई, ये है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के बारे में अभी हमने जस्ट स्टडी की है। ओके, जो एंगल 90 से छोटा होता है, ओके, वो ऐसा दिखाई देता है, इस लाइन के तरफ झुकता हुआ, मतलब ये जो लाइन है ये नीचे गिरती हुई, मतलब इधर झुकती हुई दिखाई देंगी, लाइन लाइन के ऊपर गिरती हुई दिखाई देंगी। देखिए सिंपल सी बात है, ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन गिरती हुई दिखाई देंगी तो ये एक्यूट एंगल बनता है, इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन गिरती हुई दिखाई देंगी ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। ओके, और एक लाइन है, इस लाइन पर दूसरी लाइन दूर जाते हुए दिखाई देंगी, यहाँ से दूर जा रही है, ओके, इसके ऊपर नहीं गिर रही है, कहीं और गिर रही है, इधर गिर रही है, बाहर गिर रही है लाइन के, तो वह ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। ओके, ये जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। ओके, आपको ध्यान में रखना है, अलग अलग तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है, और यहाँ पर देखिए ये भी एक तरह का ऑब्ट्यूज ही एंगल है, ऐसा भी देखेंगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ही बनता है। उसके बाद जो 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर ये 50 डिग्री का एंगल, ओके, ये है 105 का एंगल, 105 का एंगल ऐसा है। ओके, समझ में आया? उसके बाद ये है ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें है 55 डिग्री, ये है 55 डिग्री, ओके, जो 90 से छोटा है। अब आगे जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत सिंपल है, और इस प्रैक्टिस सेट में हमें क्या करना है, मेजर द गिवन बिलो एंड राइट द मेज़र इन द गिवन बॉक्सेस। इस एंगल का हमें मेज़र करना है और उसके मेज़र्स को हमें लिखना है। वैसे यहाँ पर पता नहीं किसने लिखा हुआ ये गलत है, हमें बस मेज़र करना है। ओके, ये मैंने बुक किसी और से ली है इसलिए यहाँ पर ऐसा है, दिस इज़ नॉट माई बुक। सो यहाँ पर देखिए इस एंगल को अगर हम मेज़र करते हैं तो ये लाइन यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब ये 40 डिग्री का है। तो आपको क्या करना है, बुक में मेज़र करना है कितना डिग्री, 40 डिग्री, और उतना ही मेज़र का आपको अपने नोटबुक में बनाना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसको मेज़र करते हैं, यहाँ पर हम अपना पॉइंट रखेंगे, ओके, और लाइन को लाइन से मिलाएंगे, इस लाइन को हमने इस लाइन से मिला दिया, देखते हैं ये लाइन कहाँ मिलती है, ये मिल रही है 60 पर, तो ये जो है ये 60 डिग्री वाला एंगल है। ओके, उसके बाद लुक हियर, यहाँ पर है, इसे हम करेंगे ऐसे, या तो आप इसको ऐसे पकड़िए तो भी देखो 90 डिग्री बता रहा है, चाहे आप ऐसे पकड़िए तो भी ये 90 डिग्री बता रहा है, तो ये हो गया 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, जैसे जैसे कि अभी हमने यहाँ पर उल्टा पुल्टा बताया, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखने पर भी ये 60 बताता है, ऐसा रखने पर भी, आप इसे ऐसा रखो तो भी ये आपको 60 ही बताएगा। जैसे अभी हमने ऐसा रखा है इस लाइन के ऊपर, अब हम कैसा रखेंगे, ऐसा इस लाइन के ऊपर, तो भी ये जो लाइन बनेंगी ये 60 की ही होंगी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 50, 60 और ये 70, ये 60 डिग्री। उसके बाद आइए इसका मेज़र करते हैं हम, लुक हियर, मेज़र द गिवन एंगल, इसका मेज़र करने पर देखिए हमें पता चलता है, हाँ ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पर बीच में आ रही है, ये लाइन बीच में कहाँ जा रही है, यहाँ पर जा रही है, इसका मतलब ये ना 90 है ना ये 100 है, ये है, ये कितना है, ये ना 90 है ना ही ये 100 है। आइए अब ध्यान से देखते हैं इसे ऐसा करके, ये देखिए हमने ऐसा इसको रखा है, ओके, इस लाइन को ऐसा रखा है, गिनते हुए चलते हैं, ये 80 और 90 दोनों के बीच में है, मतलब ये 85 है, कितना है ये 85 डिग्री का है ये एंगल। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप दैट
ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रॉब्लम सेट में क्या करना था, बस दिए हुए एंगल का मेज़र करके उनका मेज़रमेंट लिखना था, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और इस प्रैक्टिस के सेट प्रॉब्लम सेट के साथ साथ हमने कई ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट ही आता है, क्योंकि प्रॉब्लम सेट आपके सिर्फ फिफ्थ स्टैंडर्ड में है, इसके बाद जब जाओगे आप तो टेंथ तक हर जगह प्रैक्टिस सेट ही चलता है। तो इस प्रॉब्लम सेट में हमें सिर्फ ये क्वेश्चन करने थे, इतना ही था। आई होप दैट ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और जो इन्फॉर्मेशन हमने दी वो आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। सो अगर स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे प्रॉब्लम सेट 26 और ड्राइंग एन एंगल ऑफ गिवन मेज़र, मतलब आपको मेज़र दिया रहेगा, एंगल आपको बनाना होगा। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय।